वाह, ये मोनिका योगा टीचर बनकर हमारी आंखों में धूल झोंकती रही और हमें पता भी नहीं चला। वेद, प्रिंसिपल मैम की बातों से लग रहा था कि मोनिका स्कूल में बॉम्ब लगा चुकी है। रुचिता, अब तो एक ही रास्ता है, हमें कोई भी बहाना करके स्कूल के बच्चों को यहाँ से बाहर निकालना होगा और किसी भी तरह से भगदड़ मचने से रोकना होगा। We have to just find a way out. उधर से। अब आपके सामने माननीय सीएम सर योगा महोत्सव के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे। बच्चों, योगा करने से हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हमारा मन भी खुश और स्वस्थ रहता है। अब योगा के लिए सेलेक्ट हुए बच्चे यहाँ स्टेज पर आए और मुख्यमंत्री जी को हार पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। हमें जल्द से जल्द हॉल के अंदर जाके इस मोनिका का पर्दाफाश करना होगा। जल्दी चल। ये हॉल के दरवाजे पे ताला किसने लगाया है? जिस हॉल में फंक्शन हो रहा है वहां से बाहर निकलने के दो रास्ते हैं। जब हमारे सीएम जी स्पीच देना शुरू करेंगे ना, तब उस दोनों दरवाजे को बाहर से बंद कर देना ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ पाए और अंदर से कोई बाहर ना जाए। और धमाके में सब खत्म। सब कुछ। लेकिन हम बॉम्ब को छुपाएंगे कहाँ? हम तीन बॉम्ब लगाएंगे। जब हमारे सीएम साहब स्पेशल अपनी स्पीच दे रहे होंगे ना, तब उन्हें हम खास माइक देंगे। जैसे ही वो बटन दबाएंगे दो बॉम्ब वहीं के वहीं फट जाएंगे और तीसरा बॉम्ब मैंने उसमें टाइमर लगा दिया। अगर हमारा प्लान आगे पीछे कुछ भी हुआ तो तीसरा बॉम्ब टाइमर वाला अपना कमाल दिखा देगा। तुम कुछ भी करो, इस बार तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। मोनिका के सिवा और कौन कर सकता है? उसने मतलब अंदर बहुत जबरदस्त प्लानिंग की है। वो किसी को बचने का मौका नहीं देना चाहती। हमें ये ताला तोड़ना होगा। वेद, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ताले में करंट है। करंट?
रुचिता हम सोच और ये तार अंदर की तरफ कनेक्टेड है, पावर कट भी नहीं कर सकते, और अगर ताले को गन से तोड़ेंगे तो अंदर बच्चे भी डर जाएंगे और वो मोनिका भी सतर्क हो जाएगी और वो ब्लास्ट पहले ही कर देगी। बहुत स्मार्ट है वो। नहीं नहीं नहीं, हमें मम्मी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, वेद कुछ और करना होगा हमें। पर क्या कर सकते हैं? रुचिता एक काम करो, तुम उस तरफ जाओ, मैं ये तरफ जाता हूँ। हाँ ओके। अचानक मुझे क्या हो रहा है? मैंने हर जगह देख लिया, मुझे कहीं कोई खिड़की नहीं दिखाई थी। मैंने भी देख लिया है, मुझे भी और कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा। कान्हा जी प्लीज, अब आप ही कोई मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए। बहुत सारे मासूमों की जान का सवाल है कान्हा जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। सारे नाश्ते के डब्बे, लगता है बच्चों को नाश्ता कराया होगा। काका आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं हॉल से कचरा उठा करके फेंकने जा रहा हूँ। लेकिन आप कौन से रास्ते से आ रहे हैं? पीछे एक दरवाजा है वो, लेकिन वो सिर्फ स्टाफ के लिए है। सच में भगवान किसी ना किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने आ ही जाते हैं। हाँ रुचिता चलो अब जल्दी से अंदर जाते हैं, कम। ये दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा है? तुम लोग इस दरवाजे को कैसे भूल सकते हो? अगर मैंने उस कचरे वाले को यहाँ से जाते हुए नहीं देखा होता ना, तब तक वो वेद और रुचिता अंदर आ गए होते और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। ये वेद और रुचिता बहुत ही स्मार्ट है, वो लोग पूरी कोशिश करेंगे यहाँ अंदर आए। तुम्हें पता है ना, अगर वो दोनों अंदर आए तो क्या करना है? बिल्कुल अच्छे से पता है, उन लोगों को वहीं पर ही खत्म करना है। सही कहा, वहीं के वहीं खत्म। इस बार हमारे प्लान में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए।
और सबके पर कच्चे उड़ने चाहिए। जी मैडम। ये भी दरवाजा बंद है और मेरी टीम को आने के लिए 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा नहीं है हमारे पास। वेद वो देखो, वो बाथरूम के पाइप का लिड। तो शायद ये हॉल के बाथरूम तक जाता होगा ये रास्ता। अब ठीक है, मे बी पॉसिबल है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काम करता हूँ, मैं अपनी टीम को इन्फॉर्म करता हूँ, उनको लेकर आता हूँ। तब तक तुम इसी पे नज़र रखो, हम शायद इसके ज़रिए कोई रास्ता निकाल पाए। ओके, लेकिन मैं प्लीज़ रुचिता, मेरी बात मान लो, मैं जस्ट आता हूँ। ओके, रास्ता हॉल की तरफ जाता है गाइस, संभाल के। दूसरे वाले को लो। रुचिता, बच्चों से भी ज्यादा जिद्दी होना तुम। बात जिद की नहीं है भाई, यहाँ मेरे बच्चों के साथ साथ हजारों बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। मैं यहाँ तक आ गई तो इसे पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, चलते हैं। यस। ये तो सीएम साहब का बॉडीगार्ड है। भगवान, वो भी ऐसी हालत। अगर उस मोनिका ने इनको चकमा दे दिया तो हमारे लिए भी जरूर कुछ प्लान किया होगा। हमें सतर्क होकर अंदर जाना होगा। वेद, हम अपना हुलिया बदल के जाते हैं। सही करिए आप। सही कह रही हैं। यस सर। लेकिन हम हुलिया कैसे बदलेंगे? एक सेकंड। इस स्कूल का जो ऑडिटोरियम है, वहाँ पे जरूर कोई चेंजिंग रूम या मेकअप रूम होगा। हाँ, मैं एक बार रोहित जी के फंक्शन में आई थी तो मैंने देखा था। ओके, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई सामान भी होगा, कोई कपड़े वपड़े होंगे जो हमें यूज हो सकते हैं, राइट? चलो। और सब क्या आपको लगता है कि वो बच्चों के कपड़े हमको? वेद, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन वो मेकअप रूम हॉल के दूसरे साइड है। चलो फिर वहीं चलते हैं। तुम दोनों यहीं रहो, इसको साइड में करो। चल।
प्रिंसिपल का स्पीच आधे घंटे में शुरू हो जाएगा, तुम सब तैयार हो ना? वेदा रुचिता तो नहीं दिखे ना? सारे रास्ते बंद है, वो चाहकर भी अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, गुड। तुम कोई भी भरोसेमंद टीचर से बात करके इन सारे बच्चों को वो बाथरूम के रास्ते से बाहर निकालो। मैंने सुकेश और रवि को बाथरूम में खड़ा किया, उनको मैंने ऑर्डर दिया जैसे ही बच्चे आएंगे तुरंत हॉल के बाहर निकलवाना है। ठीक है। ओके ओके। तब तक मैं इस मोनिका और उसके आदमियों पर नजर रखता हूँ, हमें कैसे भी इस मोनिका का मिशन फेल करना है। जय हिंद। जय हिंद। मैंने सुना है कि आप बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? आपको बस इतना करना है कि आपको सारे बच्चे को बाथरूम लेकर जाना है, किसी पे बहाने लेकर जाइए। आप कपड़े बदलने के बहाने, बाथरूम जाने के बहाने या किसी पे बहाने, तबीयत खराब के बहाने, आप उनको लेकर वॉशरूम लेकर जाइए। आप अगर चाहते हैं किसी और टीचर की हेल्प ले सकती हैं, और यहाँ पर मैं और मिस्टर वेद की टीम सब संभाल लेंगे। प्लीज़ आप प्लीज़ बस इतनी सी मदद कर दीजिए, सारे बच्चे को बाथरूम लेकर चले जाइए। श्योर, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। थैंक यू। डोंट वरी। तुमने सारे गार्ड्स को लड्डू नहीं खिलाए थे क्या? सबको खिलाए थे। तो फिर यहाँ के भूत घूम रहे? मेरे सामने गार्ड्स हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं वो यहाँ? पता नहीं कैसे बच गए, मैं जाकर देखता हूँ। रहने दो, मैं देखती हूँ। ठीक है। बच्चों, तुम्हें वॉशरूम चलना है, बाद में जाने को नहीं मिलेगा, अभी चल सकते हैं। हाँ ये टीचर बच्चों को वॉशरूम क्यों लेके जा रही है? बच्चों, आप लोगों को नींद आ रही है ना, जाके मुंह धो लो। चलो चलो। मुझे अपने बच्चों को भी वॉशरूम भेजना होगा, लेकिन अभी तुरंत भेजा तो मोनिका सतर्क हो जाएगी। पहले कुछ और बच्चे को भेज देती हूँ, उसके बाद रोई जोई पिंकू को भेजूंगी। आप सीएम सर के बॉडीगार्ड? बिल्कुल। तो पहले दिखाई क्यों नहीं दिए? हम तो कब से यही हैं। शायद आपकी नज़र कमज़ोर है, इसलिए आपको दिखा नहीं। वैसे आपने उन बच्चों को ऐसा क्या कहा कि वो वॉशरूम चले गए? बच्चे, मैं तो पूछ रहा था उनसे वॉशरूम के बारे में, वो खुद भाग के चले गए। अच्छा, वैसे वॉशरूम वहाँ है। बाथरूम में जो बच्चे गए उन पर ध्यान दो, देखो कहीं कोई और बात तो नहीं है।
बैकअप टीम थोड़ी देर में आती होगी, तब तक मुझे यहाँ हालात संभालने होंगे और बॉम्ब का पता करना होगा। आदमी मोनिका का ही लगता है, मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम जा रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल का ऑर्डर है, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। आप बच्चों को बाथरूम जाने से नहीं रोक सकते।